हेलो डियर स्टूडेंट्स, सब तो पहला मेक मी क्लियर कि मेरी आवाज सबन क्लियर आ रही है, यस और नो। उस तो बाद अपन आज भी क्लास शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ओके, तो 10th क्लास से जो स्टूडेंट है उन्हें आज टेस्ट भी है। जो 10th क्लास के स्टूडेंट है उन्होंने पता है टेस्ट में तुसी देखो कि कुछ क्वेश्चन जड़े हैं जड़े तुम मैं क्लास में कराए हैं, और सेम वही सेम स्टेटमेंट भी सेम वही आए हुए हैं। ठीक है, तो तुसी देखो दो गल्ला होंदियां, एक होंदा है एंड लाइन पेपर, एक होंदा है बेस लाइन। पहला तो एक बेस लाइन पेपर होया सी मई महीने च, उस तो बाद फिर एंड लाइन होया जून महीने 28 जून में। ठीक है, तो हम दोबारा अगस्त महीने में इन्होंने फिर दोबारा बेसलाइन टेस्ट लिया है, तीसरा टेस्ट है तुहाडा। हुण तुसी इहदे विच ओह टॉपिक उन्होंने इंक्लूड किए हैं जिहड़े उन्होंने अगले महीने हुण तुहानूं पढ़ाने हैं। ठीक है, उस तो बाद फिर इसका एंड लाइन टेस्ट होएगा। तो इसी तरह पहला बेसलाइन, फिर एंड लाइन, फिर बेसलाइन, फिर एंड लाइन। ठीक है, तो लेकिन जो अज अपना टॉपिक है अपना है डॉट सिचुएशन। तुसी डॉट सिचुएशन दे सकते हो कि ये असी देखो हम साढ़े सामने कॉन्टेंट है, कॉन्टेंट के हूँ तक असं टोटल 14 टॉपिक कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 22। 22 के दो टॉपिक है, एक है फिगर पार्टीशन, एक है डॉट सिचुएशन। ठीक है, अज असी डॉट सिचुएशन जोड़ा है ये टॉपिक करना है। फिगर पार्टीशन जोड़ा है वह बिल्कुल उस टॉपिक ना रलता मिलता है जोड़ा मैं वीडियो भी अपने ग्रुप च पाई सी, जिन्हें स्क्वेयर के ट्रैंगल्स की काउंटिंग करनी होंगी है। ठीक है, तो कोई गल नहीं, नैक्सट टाइम असं ये टॉपिक भी जरूर करा। ठीक है, तो अज असी करना है डॉट सिचुएशन। डॉट सिचुएशन में तो इस तरह के कोई क्वेश्चन दिते हो जिस तरह तुम स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। फस्ट क्वेश्चन पहला तुम्हें मैं करके दिखाऊंगा, उस तो बाद थोड़े को ऑप्शन लूंगा मैं। ठीक है, तो करन का बड़ा ईजी तरीका एक ये होंगे है, तो हूँ पहले समझो ये है कि जी डॉट सिचुएशन के हमेशा अपने को एक सर्कल दिता होएगा जो एक ट्रैंगल दिता होएगा। ट्रैंगल की कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है, राइट एंगल भी हो सकता है। इसी तरह एक अपन स्क्वेयर यानी कि वर्ग दिता होएगा, एक रिक्टैंगल दिता होएगा। ठीक है, हमेशा चार शेप्स होंगे, सर्कल, ट्रैंगल, स्क्वेयर एंड रिक्टैंगल। कई बार दो शेप्स भी होंगे, कई बार तीन होंगे, और कई बार चार शेप्स भी होंगे। ये डिपेंड करता है उन्होंने क्वेश्चन के उपर। तो एक डॉट अपन नज़र आ रहा है, डॉट नज़र आ रहा है अपन एक। ठीक है, हुण तुसी ध्यान ना देखो ये डॉट है ये विचकार है, ये सर्कल दे इत्थे एक सर्कल लिखा हुआ है, सर्कल दे विचकार है और ट्रैंगल दे विचकार है। यानी कि डॉट जिहड़ा है उसने सर्कल और ट्रैंगल नूं बन्निया होया है, लेकिन जिहड़ा स्क्वेयर है वह डिफरेंट है। ठीक है, वह ये विचकार नहीं होता। तो कि इदा की सिचुएशन आपां नज़र आ रही है कितने होर, अपने को चार ऑप्शन दिती हुई हैं, चार जो की कितने ये ऑप्शन आ रही है, तो हूँ असं ये चैक करना है। ठीक है, मैनू उम्मीद है कि सारे समझ लग गया कि असं ये करना की है। तो हूँ तुसी ध्यान देखना है, हाँ जी, तो डॉट लेना है अपना सर्कल और ट्रैंगल के विचकार, ये चीज़ याद रखनी है। देखो इतने फर्स्ट फिगर देखो, अगर सर्कल इतने सर्कल भी दिता हुआ है, ट्रैंगल है, लेकिन दोनों आपस में कॉमन नहीं है, दोनों का स्पेस जो है कॉमन नहीं है, तो इतने आप डॉट नहीं ले सकते, जोड़ा सर्कल च भी आए और ट्रैंगल च भी आए। इसी तरह ये जी थर्ड फिगर है ये आप इतने देखो सर्कल और ट्रैंगल डॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह अगली फिगर देखो ये सर्कल जोड़ा है वह अपन आ नज़र आ रहा चौथी पिक्चर में। ठीक है, अगर आप इतने डॉट लेंगे हाँ तो यह ट्रैंगल के है, लेकिन तुम देखो ये स्क्वेयर के भी आ रहा है डॉट। ठीक है, तो यह तिना फिगर डॉट आ रहा है, तो यह मतलब ये जी सिचुएशन है ये भी रोंग है। हुण उपर देखो इतने सर्कल जोड़ा है, सर्कल और ट्रैंगल का जो मिलान हो रहा है वह सिर्फ इन्नी जगह पर हो रहा है। अगर इतने आप डॉट लेंगे हाँ तो यह डॉट जोड़ा है स्क्वेयर के विचकार भी आ गया, यदा मतलब इतने भी वो सिचुएशन जी है नहीं बन रही। तो सिचुएशन जी सही बन रही है वह कितने बन रही है, ऑप्शन नंबर थर्ड के। तो थर्ड जोड़ा है वह सेम सिचुएशन है, डॉट सिचुएशन इन बोलते हैं आप। ठीक है, जो आपको ऊपर दिता से
तो थर्ड ऑप्शन जो है अपना करेक्ट आंसर है। आई होप कि सारा नु ये सवाल समझ लग गया होगा। तो नेक्स्ट सवाल तो हम अपना देखना है, तो ऑप्शन लेनी है। ये देखो उपर एक फिगर दी गई है, नीचे अपने को चार ऑप्शन है, ठीक है। तुसी सोच के विचार के मैनू ऑप्शन देनी है अपने अपने भी थोड़े हिसाब नाल केड़ी जी करेक्ट ऑप्शन है ये। अंश, मानसी, प्रेम, लखवी, लखविंदर सिंह, सुमित कुमार, नंदलाल। ओके, तो नंदलाल सेकंड जवाब दे रहे हैं, सेकंड ऑप्शन। बाकी बच्चे भी सोच के इसका जवाब दियो। इहदे विच आपां नूं एक ट्रायंगल दिता होया है, एक सर्कल है और एक स्क्वेयर है। यह तीन चीजां दित्तियां होईयां आपां नूं। जशन सेकंड ऑप्शन, सिया सेकंड ऑप्शन, मनी सेकंड ऑप्शन, गुरसिमरन सेकंड ऑप्शन, ख्वाहिश सेकंड ऑप्शन, अंश सेकंड ऑप्शन। ओके, सारे सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। फन सेकंड ऑप्शन, जनैल सिंह, मन्नत, सुमित, शिंदा जसल, जॉय विल्सन, कमल, सारे सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। अवतार सिंह फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, मानसी सेकंड ऑप्शन, सुखविंदर सिंह सेकंड ऑप्शन, जैसमी, गुरजंत सिंह सेकंड ऑप्शन। ओके, तो चेक कर लें आप। देखो एक पहला सिचुएशन लभनी है जिसे सर्कल और ट्रायंगल की डॉट हो। सर्कल और ट्रायंगल डॉट देखो इतने तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये फर्स्ट फिगर च अगर सर्कल ट्रायंगल की डॉट लवेंगे तो नाल स्क्वेयर भी ऐड हो रहा है, तो ये तो अपना पहली ऑप्शन खत्म हो गई, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन देखो, इस ट्रायंगल और सर्कल जोड़े दोनों अलग अलग है, दोनों च कॉमन जो प्लेस है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी अपनी खत्म हो गई। इस तरह सेकंड ऑप्शन देखो, ये जोड़ा है ट्रायंगल और सर्कल एक इन्हें कॉमन प्लेस है, इतने डॉट असं लै सकते हैं, ठीक है। थर्ड फोर्थ फिगर में जी कॉमन प्लेस है वह है ही नहीं, क्योंकि तो सर्कल और ट्रायंगल कॉमन प्लेस सिर्फ ये वाली आ रही है, लेकिन ये स्क्वेयर भी आ रहा है ना, तो ध्यान देखो इतने भी ये ऑप्शन खत्म हो गई। यदा मतलब अपने को सिर्फ सैकेंड ऑप्शन बची, तो सैकेंड ऑप्शन सारे ने करेक्ट जवाब दिता है, वेरी गुड, सैकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। इस तरह आप बाकी डॉट्स भी लै सकते हैं, जिमें इतने लिखा है ये जो डॉट है ये तिना के विचकार है, इतने आ गया अपने को। इस तरह लास्ट जो है सर्कल और स्क्वेयर के पीछे ऑप्शन है डॉट है, और डॉट अपने को इतने आ गया, तो इस तरह अपना जवाब बन जाएगा। नैक्सट थर्ड क्वेश्चन जो है, ऑप्शन तेरे सामने दिखाई हुई है चार ऑप्शन, फटाफट सोच के जवाब देखो भी की जवाब होगा। ये अपन एक सर्कल दिता हुआ है, ट्रायंगल, एक रिकटेंगल यानी कि आयत, दो डॉट्स दिते हुए हैं, दोनों डॉट्स नूं तुसीं चारे फिगर्स विच लगा के देखो कि सिचुएशन बन रही है पहली वाली या नहीं बन रही। ख्वाहिश कह रही है फर्स्ट ऑप्शन, अवतार सिंह फर्स्ट ऑप्शन, नंदलाल फर्स्ट ऑप्शन, अंश फर्स्ट ऑप्शन, आरती फर्स्ट ऑप्शन, सनी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, ओके गुड मॉर्निंग बेटे, लखविंदर फर्स्ट, लवलीन फर्स्ट ऑप्शन, अंश फर्स्ट ऑप्शन, अरजीत फर्स्ट सेकंड ऑप्शन, अर्शप्रीत फर्स्ट ऑप्शन, सुखवीर बादल फर्स्ट ऑप्शन, सिया फर्स्ट ऑप्शन, जनैल सिंह फर्स्ट ऑप्शन, जशन फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन जो मोस्टली जवाब आया देख लेते हैं। तो पहली जी डॉट है वह सर्कल और ट्रायंगल के विचकार है, ये वाली सर्कल और ट्रायंगल के विचकार डॉट आप इतने लै सकते हैं, देखो कॉमन प्लेस है अपने को। अगली पिक्चर में भी कॉमन प्लेस है, इस पिक्चर में भी कॉमन प्लेस है, चारा में एक कॉमन प्लेस है सर्कल दे ट्रायंगल का, ठीक है। हुण गल करनी है ट्रायंगल दी और रैक्टेंगल दी, ट्रायंगल और रैक्टेंगल का कॉमन प्लेस कितने कितने है, फर्स्ट में है, ये ट्रायंगल ते रैक्टेंगल का कॉमन प्लेस जो है वो सर्कल भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन अपनी खत्म हो गई। सैकेंड ऑप्शन सर्कल
देखो ट्रायंगल ते रेक्टेंगल ते अपने को सिर्फ इस जगह ते आ रहा है, लेकिन ओदे ते सर्कल भी आ गया, ए भी ऑप्शन खत्म हो गई। इस तरह इत्थे भी देखो सर्कल आ गया विचकार ट्रायंगल और रेक्टेंगल दे विचकार, ठीक है। तो इहदा मतलब ए ऑप्शन भी खत्म हो गई। तो फर्स्ट ऑप्शन जिहड़ी सी अपनी वो करैक्ट जवाब है इत्थे। तो फर्स्ट ऑप्शन नूं असीं इत्थे टिक करना है। तो तकरीबन सब बच्चों का फर्स्ट ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। इस तरह का एक सैकेंड क्वेश्चन और आ गया अपने को, इहदे च आपां नूं सिर्फ एक सिंगल डॉट दित्ती गई है जिहड़ी कि सर्कल ट्रायंगल और रेक्टेंगल तिन्हां दे विचकार है, ठीक है। इस तरह की तुसीं पोजिशन लभनी है जिथे तिन्ने आपस में मिलते हो। सॉरी दोबारा देखो एक बारी, ये ट्रायंगल और सर्कल दे विचकार है, रेक्टेंगल दे विचकार नहीं है, रेक्टेंगल दे विचकार नहीं है, यानी कि ट्रायंगल प्लस सर्कल ये लभनी है सिचुएशन। आरती शर्मा थर्ड ऑप्शन, नंद लाल थर्ड ऑप्शन, जरनैल सिंह थर्ड ऑप्शन। बड़ा ईजी है, देख के पता लग रहा है। सी एफ फोर्थ ऑप्शन कह रही है, जॉय विल्सन थर्ड ऑप्शन, लवलीन थर्ड ऑप्शन, जशन थर्ड ऑप्शन, ओके मनप्रीत, सुखबीर, दलजीत कौर, गुरप्रीत कौर, ख्वाहिश, प्रेम चंद, सनी कुमार, रोशनी थर्ड ऑप्शन, अर्शप्रीत थर्ड ऑप्शन, जरनैल सिंह थर्ड ऑप्शन, सनी थर्ड ऑप्शन, ख्वाहिश थर्ड ऑप्शन, अर्शदीप थर्ड ऑप्शन। ओके तो टाइम ओवर हो चुका है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट जवाब है। देखो ये ट्रायंगल और सर्कल आपस में मैच ही नहीं करते फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन खत्म हो गई। तो इसी तरह ट्रायंगल और सर्कल सेकेंड ऑप्शन में भी देखो जिथे इतने प्लेस कॉमन प्लेस है उत्थे वो नाल रेक्टेंगल भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी खत्म होगी। चौथे विच भी ट्रायंगल और सर्कल का जो एरिया है वो रेक्टेंगल भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। बचे अपने को सिर्फ थर्ड ऑप्शन जिदे ट्रायंगल और सर्कल जोड़ा है वो कॉमन प्लेस अपन दिख रहा है, डॉट सिचुएशन जी है इतने बिल्कुल ठीक बैठती है। तो थर्ड ऑप्शन जोड़ा है अपना करेक्ट जवाब है। नैक्सट अपने को आ गया क्वेश्चन नंबर फाइव। मारियो दिबाला सर जी स्क्रीन ते आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटे स्क्रीन और आवाज मेरे वालों ठीक है, थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है जिस कारण तुम थोड़ा जा ए ब्लर नजर आ रहा होगा। तो नेक्स्ट अपने को थोड़ा जा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है। ये अपने को चारे है, ट्रायंगल भी है, ट्रायंगल रेक्टेंगल स्क्वेयर और सर्कल, ठीक है। तो तीन डॉट बनाए हुए है, तिना चो जी आइडियल पोजिशन है डोर सिचुएशन जी आप लवनी है, चार ऑप्शन अपने को दिखाई हुई है। तो सोच के देखो विचार करो भी इस जी है करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा जा हिंट मैं भी दे दिना, तो सब तो पहला असं ये वाला सर्कल जरा लभना है, जिद सर्कल और रेक्टेंगल कॉमन है, वो इतने भी है, सर्कल रेक्टेंगल इतने भी कॉमन है, सर्कल रेक्टेंगल इस जगह पर भी कॉमन है, सर्कल रेक्टेंगल इस जगह पर भी कॉमन है। उस तो बाद असी सैकेंड डॉट जी है वह फाइंड आउट कर सकते हैं, जिहड़ा सर्कल को छड़ के बाकी ट्रायंगल दे विच भी है, ट्रायंगल च भी है, रेक्टेंगल च भी है और स्क्वेयर च भी है। हुण इत्थे रेक्टेंगल और स्क्वेयर दोने वक्रे वक्रे हो गए, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती। इहदे विच भी रेक्टेंगल और स्क्वेयर जिहड़े वक्रे वक्रे है, ट्रायंगल भी वक्रा है, ठीक है, दोने सेम है, ट्रायंगल वक्रा है, तो ये ऑप्शन भी अपनी नहीं हो सकती। तो दो हिंट तुम दे दिते हैं, तो फटाफट अपना जो जवाब है थर्ड और फोर्थ के विच होएगा। फोर्थ ऑप्शन आ रहा जवाब, नंद लाल, सनी, सुखबीर, जस सिंह, सुखविंदर, आरती, फन, गुरप्रीत कौर, लवनीन, सारे फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं, अंश फोर्थ ऑप्शन, रोशनी फोर्थ ऑप्शन, शिवजोत फोर्थ, प्रेमचंद फोर्थ ऑप्शन, आरती, ख्वाहिश, अंश, रोशनी, जशन, सारे फोर्थ ऑप्शन। ओके तो फोर्थ ऑप्शन जोड़ा है देख लेते हैं। तो ये अपने को रेक्टेंगल ट्रायंगल और सर्कल जोड़ा है, सर्कल छड़ना आ वाला जी जगह है
छोटी जी जगह है ये भी कॉमन प्लेस बन गया जिन्हें च सर्कल तो इलावा बाकी तीन कॉमन है। इसी तरह लास्ट डॉट जिहड़ा सी जिहड़ा कि सिर्फ ट्रायंगल और रैक्टेंगल दे विचकार है वह भी आपां नूं सिर्फ इत्थे नज़र आ रहा है इस जगह पर ट्रायंगल और रैक्टेंगल। ठीक है तो इहदा मतलब फोर्थ ऑप्शन जिहड़ा सी अपना करैक्ट आंसर है। तो वैरी गुड सारिआं ने बिल्कुल ठीक जवाब दिता है। इहदा थोड़ा जिहा इहदे देख के कन्फ्यूजिंग है लेकिन जदों असीं कल्ला कल्ला डॉट चैक करांगे तो आपां नूं हमेशा ही रिजल्ट जिहड़ा है वह क्लीयर नज़र आ जाएगा। नैक्सट जिहड़ा फिगर है सिक्स क्वेश्चन है इहदे विच तीन आपां नूं दित्ते होए फिगरस टाइम तुहाडा शुरू हो चुका है फटाफट सोच के इहदा जिहड़ा सही ऑप्शन तुसीं देनी है। इहदे विच तुसीं मैच करना है डॉट्स नीचे भी बने हुए है किहड़ा डॉट सिचुएशन जिहड़ी इहदे नाल मैचिंग हो रही है तुसीं इहदे विच मैच करना है इहदे विच ट्रायंगल स्केयर और सर्कल की शेप नहीं देखनी तुसीं डॉट्स देखने हैं भी डॉट्स कित्थे मैच कर रहा है। हिंट दे लई इह है कि जिहड़ा फस्ट डॉट है ये दो फिगर दे विच है जिहड़ा ए डॉट है ये भी दो फिगर दे विच है एक डॉट जिहड़ा है वह तिने फिगर दे विच है। ठीक है तो इस तरह ना तुसीं देखो कि जिहदे विच दो तीन दो आ रहा है जशन का फर्स्ट ऑप्शन है प्रेमचंद मन्नत सैकेंड ऑप्शन सिया किन्ने क्वेश्चन है क्वेश्चन बेटे सतारा है सतारा क्वेश्चन करने अपना ख्वाइश फर्स्ट ऑप्शन सुखबीर बादल जन अच्छा तनु है इसका नाम तनु फर्स्ट ऑप्शन सुखविंदर फर्स्ट ऑप्शन दनैल सिंह सैकेंड ऑप्शन आरती शर्मा फर्स्ट ऑप्शन संदीप सोनी थर्ड ऑप्शन शिंदा फर्स्ट ऑप्शन अंश फर्स्ट ऑप्शन पान फर्स्ट ऑप्शन जॉय विल्सन थर्ड ऑप्शन गुरसिमर कौर फर्स्ट ऑप्शन। हाँ ये बच्चे कन्फ्यूज हो गए थोड़ा जहा फर्स्ट ऑप्शन भी आ रहा है थर्ड ऑप्शन भी आ रहा है तो चलो देख लेते हैं। देखो पहले थर्ड ऑप्शन की गल करते हैं तो ये भी दो जगह पर डॉट लगा हुआ है ये भी दो जगह पर डॉट लगा हुआ है देख दो चीज़ा कवर हो रही हैं लेकिन जो ये डॉट है ये भी दो दो सर्कल जोड़े है वह ही कवर हो रहे हैं टू टू एंड टू अपने को टू थ्री टू चाहिए सी। ठीक है यदा मतलब ये ऑप्शन नहीं है तो फस्ट ऑप्शन देखो ये टू फिगरस कवर हो रहे हैं ये तीन फिगरस कवर हो रही हैं ये दो फिगरस कवर हो रही हैं तो यह बिल्कुल ठीक जवाब है फस्ट ऑप्शन जी है करैक्ट है। इस तरह असं बाकी भी देख लें ये भी टू पिक्चरस कवर हो रही हैं। ठीक है ये भी टू हो रही है ये भी थ्री हो रही है। ठीक है तो नैक्सट जोड़ा है ये अपने को तीन है इतने दो है इतने एक है तो यदा मतलब अपने को सैकेंड और फस्ट जोड़ा है करैक्ट जवाब आ रहा है तो यदा सैकेंड जवाब भी हो सकता है ये देखो ये भी दो फिगरस है इतने इतने भी दो फिगर होगी लेकिन सैकेंड ऑप्शन असं क्यों नहीं चूज किया फस्ट में चूज किया है ये कि जोड़ा ए वाला डॉट है देखो ए वाला यह डॉट और ये डॉट दोने ही सेम है यानी कि सेम इको सर्कल में है और इको ही रैक्टेंगल विचकार है। ठीक है इको पोजिशन है हालांकि अपन इसे बखरे बखरे पोजिशन पर चाहिए थे इसलिए अपना टू नू भी इतने करैक्ट ऑप्शन नहीं मनिया तो फस्ट ऑप्शन जी है अपना करैक्ट आंसर है। इस तरह का सेम अपने को आ गया एक होर क्वेश्चन जिदे डॉट्स की पोजिशन देखनी है भी कि मैच करता है फस्ट फिगर नूं देख के चारा नूं तुसीं मैच करना है भी किहदे नाल इह मैचिंग हो रही है। सिमल संदीप सैनी थर्ड ऑप्शन ओके फटाफट बाकी बच्चे भी जवाब दिओ इहदे विच सिर्फ दो डॉट है एक सिंगल पोजिशन ते है एक विच तिने सर्कल जो है इनकलूड है यानी कि एक और तीन की रेशो है। ख्वाहिश फोर्थ ऑप्शन नंदलाल फोर्थ ऑप्शन त्रिष्टा फोर्थ ऑप्शन आरती फोर्थ ऑप्शन चांदनी जॉय विल्सन सिया जशन सारे फोर्थ ऑप्शन कह रहे दनैल चांदनी आर्श अवतार प्रेम डार्क गेमिंग सुमित ओके राजली फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि एक जरा है डॉट सिंगल पोजिशन दिता हुआ है एक तिने चीजा तिने फिगर इंक्लूड है
फोर्थ ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं सी, फर्स्ट सिंगल नोट तो है लेकिन इतने अपने को सिर्फ दो फिगर्स ही इंक्लूड है, ये अपने को तीन फिगर्स है लेकिन इतने अपने को टू फिगर्स है। इसी तरह सेकंड ऑप्शन में भी ए डॉट में दो फिगर्स आ रही हैं और इस डॉट में भी दो फिगर आ रही हैं। अपन को चाहिए सी एक और तीन की रेशो, एक और तीन की रेशो कितने है चौथी फिगर के, तो फोर्थ ऑप्शन जी है वो अपना करेक्ट आंसर है। इसी तरह नैक्सट क्वेश्चन नंबर एट, ये अपन एक स्क्वेयर दिता हुआ है, ट्रैंगल और सर्कल तीन डॉट दिते हुए हैं, एक सिंगल डॉट है जिहड़ा कि स्क्वेयर में है। इसी तरह ए डॉट में दो फिगर इंक्लूड हो गए, ट्रैंगल भी आ गया स्क्वेयर भी आ गया, ये भी दो फिगर आ गए एक सर्कल और ट्रैंगल। इस तरह की पोजिशन असं लभनी है इन चारों के, सोच के फटाफट इसका जवाब दो। डार्क गेमिंग फोर्थ ऑप्शन, खुशप्रीत कौर सेकंड ऑप्शन, शिवजोत सिंह फोर्थ ऑप्शन, बकरे बकरे जवाब आ रहे हैं, जशन का सेकंड ऑप्शन, नंदलाल थर्ड ऑप्शन, जॉय विल्सन सेकंड ऑप्शन, मानसी थर्ड ऑप्शन, वाइस सेकंड ऑप्शन, सिया सेकंड ऑप्शन, गुरप्रीत फोर्थ ऑप्शन, आरती सेकंड, अंश सेकंड, सुखविंदर चांदनी अंश सेकंड ऑप्शन। ओके, बहुत सारे जवाब सेकंड ऑप्शन भी आ रहे हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट ऑप्शन भी दे रहे हैं, कुछ थर्ड ऑप्शन भी दे रहे हैं। ठीक है, तो असं चेक करते हैं करैक्ट ऑप्शन कितने है। पहला तो असं स्क्वेयर लगे, आप स्क्वेयर लगना है जिदे आप एक डॉट लगानी है, स्क्वेयर आपको फर्स्ट फिगर में नहीं नज़र आ रहा क्योंकि जिते भी स्क्वेयर है वो सर्कल भी आ रहा या ट्रैंगल भी आ रहा। ठीक है, एक स्क्वेयर आप कला नज़र आ रहा, इतने डॉट लगा देने, तो सैकेंड फिगर भी अपन नज़र आ रहा है, फोर्थ फिगर भी नज़र आ रहा, एक एक डॉट असी लगा लिया, फर्स्ट फिगर जी खत्म हो चुकी है। फिर असी और डॉट लभना है जिहड़ा सर्कल और ट्रैंगल विचकार होवे, सर्कल और ट्रैंगल के विचकार थर्ड फिगर में भी नज़र आ रहा है, सैकेंड फिगर में नहीं नज़र आ रहा। देखो सर्कल और ट्रैंगल का कॉमन प्लेस ए वाला है लेकिन ये स्क्वेयर भी आ गया। ठीक है, तो ए वाली फिगर भी अपनी खत्म हो गई, तो ये सर्कल और ट्रैंगल का फिगर जो देखो सिर्फ यही कॉमन प्लेस है लेकिन इतने स्क्वेयर भी आ गया, तो यह मतलब ए ऑप्शन भी खत्म हो गई, तो बची अपने को कड़ी सिर्फ ए वाली ऑप्शन थर्ड ऑप्शन, यह मतलब थर्ड ऑप्शन जी है वह करैक्ट जवाब है इतने। तो मैं उम्मीद है कि पता लग गया होगा सारे, तो सिंपल तरीका यही है कि कला कला डॉट चको और सारे च फिट करना शुरू कर दो, सारी फिगर जिते फिट नहीं बैठता उन्होंने क्रॉस करी जाओ, पता लग जाएगा भी ये फिगर जी है मैच नहीं करती, तो थर्ड ऑप्शन जरा है इतने करैक्ट जवाब आ गया अपना। इसी तरह नाइनथ फिगर, ये आप ट्रैंगल सर्कल और स्क्वेयर दिता हुआ है, तो दो डॉट्स है, एक डॉट है ट्रैंगल और सर्कल के विचकार, एक डॉट है स्क्वेयर और सर्कल के विचकार। तुसी इस तरह की सेम पोजिशन जी है सिचुएशन लभनी है, देखो कि चारों विचों कौन सिचुएशन जी है मैच कर रही है, बड़ा इंट्रस्टिंग क्वेश्चन बन रहा है। रोशनी का ऑप्शन है थर्ड, गुरप्रीत कौर थर्ड ऑप्शन, बाकी बच्चे फटाफट जवाब दो, तो लग रहा है रोशनी थर्ड ऑप्शन कह रही है, मनी गिल एट, जरनैल सिंह थर्ड ऑप्शन। 17 क्वेश्चन आज आप करने हैं, 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, इस तो बाद अपने को 8 क्वेश्चन हो रह गए हैं। वाइस सेकंड ऑप्शन, कनिष्ठा सेकंड ऑप्शन, गुरसिमर सेकंड, आरती सेकंड। ओके, तो थर्ड ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन जो जवाब आ रहे हैं अपने को थर्ड एंड सेकंड, तो असं देखना है थर्ड और सेकंड जो करेक्ट कड़ा है, तो कला कला डॉट देखते हैं। पहला एक असी ट्रैंगल ते सर्कल वाला डॉट लेंदा, ट्रैंगल ते सर्कल ए दे विच है ही नहीं कॉमन। ठीक है, ट्रैंगल और सर्कल देखो इतने अपन प्लेस मिल जाता, सैकंड भी अपने को है
थर्ड में देखिए ट्रायंगल और सर्कल जड़ा है, कॉमन तो इतने है ही नहीं कोई, ट्रायंगल और सर्कल का सिर्फ एक प्लेस कॉमन है, लेकिन यह स्क्वेयर दे विच का आ गया, तो इसका मतलब इतने कॉमन प्लेस नहीं है, ये भी खत्म हो गया। इसी तरह ट्रायंगल और सर्कल जड़ा है वो चौथी प्लेस विच भी नहीं है कॉमन, ठीक है, क्योंकि इतने भी स्क्वेयर ने उन्होंने घेरा पा लिया, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गई। तो इसका मतलब अपने को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑप्शन ही बची, ठीक है, जिसे विच ट्रायंगल और सर्कल जड़ा है वह कॉमन है स्क्वेयर नो छड़ के, तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन जड़ा है करेक्ट जवाब है। तो सेकेंड ऑप्शन जिन्होंने दिता सी बिल्कुल करेक्ट है, जो बाकी ऑप्शन थर्ड और फोर्थ दे रहे थे उम्मीद है कि उन्होंने समझ लग गया होगा। इसी तरह का एक टेंथ क्वेश्चन है, बड़ा ईजी है, उम्मीद है कि सारे बच्चे का जवाब देंगे, ठीक है। ये सिर्फ सिंगल डोट है जोड़ा कि ट्रेंगल और सर्कल के बचार है, ट्रेंगल प्लस सर्कल, असी रिकटेंगल स्क्वेयर जोड़ा है वह नहीं लैना ये, ठीक है, ये नहीं लैना, आप सिर्फ ट्रेंगल और सर्कल का कॉमन प्लेस लभो। वेरी ईजी क्वेश्चन, जशन थर्ड ऑप्शन सब तो पहला जशन का जवाब आया है, नंदलाल थर्ड ऑप्शन, आरती थर्ड ऑप्शन, डार्क गेमिंग सेकंड ऑप्शन कह रहे थी, ओके, चांदनी थर्ड ऑप्शन, ख्वाहिश थर्ड ऑप्शन, गुरप्रीत कौर थर्ड ऑप्शन, दलजीत, जनैल, फन, कनिष्ठा, चांदनी, गुरसिमर, प्रेम, मन्नत, सब का थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि मैं पहले ही कह सी ईजी क्वेश्चन है, सब ने करेक्ट जवाब दे रहे, सारे बच्चों का करेक्ट जवाब है, वेरी गुड ऑल। इधर ऑप्शन थर्ड नज़र आ रहा है, सर्कल और ट्रायंगल अपन कितने नज़र आ रहा है, थर्ड बच नज़र आ रहा है, फर्स्ट बच ट्रायंगल और सर्कल बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये हो ही नहीं सकता, इस ट्रायंगल और सर्कल कॉमन प्लेस बच स्क्वेयर भी आ गया, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गई। चौथे बच ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन प्लेस ए सी, लेकिन वो दोनों ही रेक्टेंगल के विचकार है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी खत्म हो गई। तो थर्ड ऑप्शन जो है इतने अपने को बची जो कि करेक्ट जवाब है, वेरी गुड। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 11 आ गया अपने को, तीन डोट्स दिखाई हुई है, तो ध्यान देखो पहली डोट जी है वह कि है, इस अपन चार ही फिगर दिखाई है, ये रिकटेंगल है, ये स्क्वेयर है, सर्कल और ट्रायंगल, एक डोट जी है एक कि है ट्रायंगल और स्क्वेयर के विचकार। इसी तरह जी ए डोट है एक कि है सर्कल और ट्रायंगल के विचकार, जी ए वाली डोट है एक कितने है ए ट्रायंगल प्लस रिकटेंगल के विचकार, ये तीन डोट्स असी देखना है भी कितने कितने ये फिट बैठती है, थोड़ा जहा डिफिकल्टी लैवल ज़्यादा है पहले नालों, बट इन्ना औखा नहीं है, ईजी है, फटाफट सोच के जवाब दो। आरती का है आंसर वन, नंदलाल फर्स्ट ऑप्शन, जैसमीन थर्ड ऑप्शन, डार्क गेमी थर्ड ऑप्शन, जोई विल्सन फर्स्ट ऑप्शन, चांदनी फर्स्ट, ख्वाहिश फर्स्ट, जशन फर्स्ट, वेरी गुड, सब का फर्स्ट जवाब आ रहा है। हाँ मन्नत थर्ड ऑप्शन कह रही है, लवलीन फर्स्ट ऑप्शन, गुरप्रीत फर्स्ट ऑप्शन, चांदनी फर्स्ट ऑप्शन, अंश, ख्वाहिश, गुरप्रीत, सिया, रोशनी, सारे फर्स्ट ऑप्शन, अर्शप्रीत थर्ड ऑप्शन, मनदीप फर्स्ट ऑप्शन, सीमा रानी फर्स्ट ऑप्शन, ओके। तो हम टाइम है कि मैं तुम्हें जवाब दवा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है पहला तो वो करेक्ट जवाब है, देख लेते हैं कि मैं पहला ट्रायंगल और सर्कल लपना है, ट्रायंगल और सर्कल सानू पता है ये नज़र आ रहा है कॉमन प्लेस दोनों का, ये हो गया, ये ट्रायंगल और सर्कल ये भी कॉमन है सैकेंड च भी, थर्ड के ट्रायंगल और सर्कल कॉमन नहीं है इनू क्रॉस कर देने हैं। इसी तरह फोर्थ में ट्रायंगल सर्कल कॉमन तो है लेकिन वो स्क्वेयर भी उन्होंने विचकार आ गया, तो चौथी ऑप्शन भी खत्म हो गई, यानी कि अपने को सिर्फ फर्स्ट है सेकंड ऑप्शन ही बची। हम दूजा है सर्कल तो ट्रायंगल, ठीक है, सर्कल और ट्रायंगल कितने कॉमन है, सर्कल और ट्रायंगल असं ले लिया, ट्रायंगल और स्क्वेयर, ट्रायंगल स्क्वेयर कितने है अपने को ए वाला, ठीक है, तो इधर ट्रायंगल और स्क्वेयर अपन नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि सारे दे विच सर्कल कॉमन आ गया, तो ये ऑप्शन वैसे खत्म हो गई, तो बचे अपने को फर्स्ट ऑप्शन। तो थर्ड डॉट चाहे दिखिए चाहे ना दिखिए हम अपन पता लग गया है कि फर्स्ट ऑप्शन जड़ा है करेक्ट जवाब है, आई होप कि सारे ने क्लियर हो गया होएगा। तो असी की करना होंगे हमेशा हर फिगर च असी डॉट पहला देखना है कि डॉट कितने कितने लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरह आप शॉर्ट फॉर्म च टी एस सी प्लस टी टी प्लस आर इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है नाम, तो
तो फिर असं वह कला कला रोड आप इन्होंने पिक्चर लगा होंगे है जिथे वो सैट नहीं बैठता आप उस क्रॉस करी जावे तो पता लग जाएगा भी कि फिगर साढ़े को एंड बची वो करैक्ट जवाब होएगा। तो इस तरीके असं क्वेश्चन नंबर 12 करना है। ये आप दो डॉट्स दिते हुए है, एक डॉट जो है पहला आप शॉर्ट फॉर्म लिख लें, यह सर्कल प्लस स्क्वेयर के विचकार है, और ये वाला डॉट कितने है, यह सर्कल प्लस ट्रायंगल के विचकार है। तो यह दो पोजिशन आप लभनिया इन्होंने चारों के विचों, तो उम्मीद है कि तुम ये लभ सकोगे, सोच के जवाब दो फटाफट। ख्वाहिश का सब तो पहला फर्स्ट जवाब आया है, सेकंड ऑप्शन अंश, सेकंड ऑप्शन आरती, सेकंड ऑप्शन चांदनी, सेकंड ऑप्शन कृष्णा राजपूत, फर्स्ट ऑप्शन जनैल सिंह, सेकंड ऑप्शन। एक चीज तो याद रखनी है, अगर कोई बच्चा रोंग जवाब दिता है तो ये घबराने की या शर्म वाली कोई गल नहीं है, ठीक है। हर एक बच्चे का दिमाग वखरा है, वह वखरे तरीके सोच रहा है, हो सकता है जिस तरीके का सोच रहा हो उसनों कोई होर ऑप्शन सही लग रही हो, ठीक है। तो ये कोई इदा की गल नहीं है, अपना जवाब गलत भी हो जाए तो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि हूँ जो गलत करांगे तो ही अगे जाके सही करांगे। सी आ सैकेंड ऑप्शन, गलतियां करके ही इंसान सीखता है। अज की जी अपनी स्टोरी है, जी स्टोरी टाइप है स्पीच तुम देनी मैं, वह भी इसे बेस पर है, ठीक है। तो सैकेंड ऑप्शन अपना करैक्ट जवाब आ रहा है, तो चैक कर लें सी प्लस टी, यानी कि सर्कल के ट्रैंगल कितने है, सर्कल ट्रैंगल पहले बच्चे कॉमन नहीं है, क्या क्योंकि इतने स्क्वेयर भी बच्चे आ गया, ये सर्कल तो ट्रैंगल जोड़ा है वह कॉमन नज़र आप आ रहा है, इतने आप डॉट लगा लें, ये सर्कल ट्रैंगल कॉमन नहीं है, ठीक है। इन्नी जगह बची सी वह भी स्क्वेयर के विचकार आ गई और इतने भी कॉमन नहीं है, तो यह तो बिल्कुल ईजी हो गया। सर्कल और ट्रैंगल जोड़ा है सिर्फ सैकेंड ऑप्शन में ही कॉमन सी, तो सैकेंड ऑप्शन जोड़ा है वह करैक्ट जवाब हो गया थे। तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे ने सैकेंड ऑप्शन ही जवाब दिता सी। नैक्सट 13 क्वेश्चन आ गया अपने को, इस तो बाद अपने सिर्फ चार क्वेश्चन रह गया। तो ये आप फिगर चार ही फिगर दिखाई हुई है, डॉट तीन है, पहला डॉट कितने नजर आ रहा है, पहला डॉट है सर्कल दे विच प्लस रिकटेंगल दे विच। तो इस तरह जो वाला डॉट है ये कितने नजर आ रहा है, यह सर्कल प्लस स्क्वेयर प्लस रिकटेंगल, यानी ट्रैंगल छड़िया होया, और यह वाला डॉट कितने नजर आ रहा है, यह ट्रैंगल के विचकार है प्लस स्क्वेयर के विचकार है प्लस सर्कल के विचकार है। तो यह अपने को शॉर्ट फॉर्म च आ गया, तुसी देखना है कि इस तरह की सिचुएशन इतने कितने आपां मिल रही है। हिंट दे लई पहला दो ऑप्शन देख लें, पहला आपां देखना है सर्कल ते रिकटेंगल, सर्कल ते रिकटेंगल ये कॉमन नहीं है, देखो सर्कल और रिकटेंगल की कॉमन प्लेस ए सी, पर इतने ट्रैंगल भी आ गया, फर्स्ट ऑप्शन जोड़ा है अपना जवाब नहीं है, ये पहले दस दिता मैं। इस तरह सर्कल ते रिकटेंगल ये वाला कॉमन प्लेस इतने हो सकता है, सर्कल ते रिकटेंगल का कॉमन प्लेस इतने भी हो सकता है, सर्कल और रिकटेंगल का कॉमन प्लेस इतने भी हो सकता है। इस तरह आप एक बिंदु कोई डॉट होर ले लें, आ वाला ले लें सी एस आर, जरा सर्कल च भी हो स्केयर च भी हो रिकटेंगल, देखो इतने ये तो अपनी ऑप्शन पहले खत्म हो चुकी है, तो सर्कल रिकटेंगल और स्केयर का डॉट इतने भी अपन मिल रहा है सैकेंड ऑप्शन च। ये देखो स्केयर और रिकटेंगल दोनों ही बखरे बखरे आ, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी अपनी खत्म हो गई, यदा मतलब थर्ड ऑप्शन भी अपना करैक्ट जवाब नहीं है। जिहड़े बच्चे थर्ड ऑप्शन जवाब दे रहे हैं वह दोबारा एक बार सोच लो कि यदा मतलब अपना जवाब सैकेंड या फोर्थ के विचकार ही होएगा, थर्ड ऑप्शन जी है वह करैक्ट नहीं है। तो लास्ट जरा है अपने को बचा है शॉर्ट फॉर्म टी प्लस एस प्लस सी, यानी कि ट्राइंगल स्क्वेयर सर्कल, ट्रैंगल स्क्वेयर सर्कल कितने है, ट्रैंगल स्क्वेयर देखो इतने ये सर्कल और ट्रैंगल दोनों ही बखरे बखरे आ सैकेंड ऑप्शन के, मतलब सैकेंड ऑप्शन भी खत्म हो गई,
सैकेंड ऑप्शन ए ते बच्चे सर्कल और ट्रायंगल जिहड़े है वह मैच कर रहे हैं इस पोजिशन से, ठीक है। तो यह मतलब फोर्थ ऑप्शन जिहड़ा है अपना करैक्ट आंसर है इत्थे। फर्स्ट सैकेंड थर्ड जिहड़ा है वह तिने ही रोंग ऑप्शन से, तो फोर्थ हम असं इतने ट्रिक करना है। उम्मीद है कि सारे यह क्लीयर हो गया होगा। हम कुछ बच्चे अजे भी सैकेंड ऑप्शन कह रहे हैं सैकेंड के सर्कल और ट्रायंगल कॉमन प्लेस नहीं है, कॉमन डॉट नहीं लग सकता, इसलिए वह ऑप्शन आप रोंग की। इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में आप तीन डॉट्स आ गए। अच्छा इतने एक चीज तुम समझ लो, कई बार इसका सर्कल लगा होता है, ठीक है। सर्कल के अगर कोई चार बिंदु आपस मिला दिए, चार डॉट्स असी मिला दिए, ठीक है, तो जिहड़ा ये शेप बनेगी, ये शेप बनती है स्क्वेयर की, ठीक है। इनू रेक्टेंगल नहीं कहना, तो इस ये शेप बनी है स्क्वेयर की, इसनों असी रेक्टेंगल नहीं कहना। तो कई बार पिक्चर के रेक्टेंगल और स्क्वेयर लगभग सेम होंगे, सानू डिफरेंस करना औखा हो जाता है, पर तुम याद रखना है कि सर्कल के विचकार अगर शेप बनी होगी तो हमेशा ही स्क्वेयर होंगे, रेक्टेंगल नहीं होंगे है। तो हुण इहदे च आपां नूं दित्ते हुए है डॉट, तीन डॉट दिते हुए है जिन्हां तुसीं करैक्ट ऑप्शन पता करनी है। तो डॉट्स दी पोजीशन देख लैंदे आ, इत्थे लिख आ पहला डॉट कित्थे है, इह ट्रायंगल दे विचकार है प्लस सर्कल दे विचकार है, और इह वाला डॉट कित्थे है, इह स्क्वेयर दे विचकार है प्लस रैक्टेंगल प्लस सर्कल, ट्रायंगल इत्थे नहीं है, और इह वाला डॉट कित्थे है, ये सर्कल भी आ गया, ट्रायंगल भी आ गया और स्क्वेयर भी आ गया। ये तीन ऑप्शन आप देखनी है। ख्वाहिश सेकंड ऑप्शन, संदीप फर्स्ट ऑप्शन, प्रेम मन्नत है सेकंड ऑप्शन, क्रिस्टा फर्स्ट ऑप्शन, जैसमिन सेकंड ऑप्शन, संदीप सेकंड ऑप्शन, शिवजोत सिंह सेकंड ऑप्शन। ओके वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन जो है मोस्टली जवाब आया है बच्चों का। तो देख चेक कर लेते हैं, टी प्लस सी मतलब ट्रायंगल ते सर्कल, ट्रायंगल और सर्कल आपां नूं कित्थे नजर आ रहा है, देखो आ पोजिशन जी है इत्थे आपां नूं ट्रायंगल और सर्कल नजर आ रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल प्लस सर्कल, और बाकियों के ट्रायंगल सर्कल ये कॉमन नहीं है, कोई भी ये ट्रायंगल सर्कल भी कॉमन नहीं है, ये भी ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन प्लेस आपां नूं इत्थे नजर आ रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन अपनी रोंग हो गई, फर्स्ट भी रोंग हो गई, हम सिर्फ सैकेंड और फोर्थ बची है। इसी तरह सैकेंड डॉट देख लें, सी प्लस टी प्लस एस, यानी कि सर्कल ट्रायंगल ते स्क्वेयर, सर्कल अपन नज़र आ रहा है, ट्रायंगल भी है और स्क्वेयर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो असं इतने डॉट ले सकते हैं सर्कल ट्रायंगल और स्क्वेयर, ए वाला हो गया अपने को, इधर सर्कल ट्रायंगल और स्क्वेयर दे विचकार डॉट आपां नूं इत्थे मिल रहा है। इसी तरह थर्ड डॉट जिहड़ा है इस तो पता लगेगा भी कि ऑप्शन सही है कि गलत है, एस आर सी, यानी कि स्क्वेयर रैक्टेंगल ते सर्कल, स्क्वेयर रैक्टेंगल ते सर्कल। हुण देखो इत्थे रैक्टेंगल ते स्क्वेयर जिहड़ा है दोनों ही बखरे बखरे आ, तो यही ऑप्शन तां पैसे ही खत्म हो गए, ठीक है। तो बचे अपने को सिर्फ सैकेंड ऑप्शन, तो यह मतलब सैकेंड ऑप्शन जिहड़ा है वह बिल्कुल करैक्ट जवाब है। तो जिहड़े बच्चों ने सैकेंड ऑप्शन दिता सी वह बिल्कुल ठीक सी। नैक्सट अपने को आ गया क्वेश्चन नंबर 15। इस तो बाद अपने को सिर्फ दो क्वेश्चन बचे हैं अज के लिए। तो ये तीन फिगर्स दिखाई हुई हैं, थोड़ा ईजी क्वेश्चन है। तो फस्ट डॉट जिहड़ा है वह है ट्रायंगल और सर्कल के विचकार, जिहड़ा ए वाला डॉट है ये कितने है सर्कल प्लस स्क्वेयर के विचकार, और जिहड़ा थर्ड डॉट है ये तिना के विचकार है, ट्रायंगल च भी है सर्कल च भी है और स्क्वेयर च भी है। तो इस तरह की पोजिशन आप इतने लभनी है, चारा के करैक्ट ऑप्शन जी है तुम्हें यदा जवाब देना है। ओके तो जवाब आने शुरू हो गए है, ख्वाहिश सैकेंड ऑप्शन, चांदनी सैकेंड ऑप्शन, सिया फस्ट ऑप्शन, अंश सैकेंड ऑप्शन, नंद लाल सैकेंड ऑप्शन, आराध्या मैमी, जरनैल सिंह सैकेंड ऑप्शन, रोशनी ओके थैंक्स, लवलीन सैकेंड ऑप्शन, जशन सैकेंड ऑप्शन, गुरप्रीत सैकेंड ऑप्शन, लखविंदर सिंह सैकेंड ऑप्शन, कनिष्ठा सैकेंड ऑप्शन,
अवतार सिंह सेकंड ऑप्शन, चांदनी सेकंड ऑप्शन, उमित सेकंड ऑप्शन, सिया सेकंड ऑप्शन। ओके तो सेकंड ऑप्शन मोस्टली जवाब आ रहा है, तो इजी क्वेश्चन सी, तो सारे हम तक प्रैक्टिस हो गई है कि केड़ा ऑप्शन करेक्ट है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, सर्कल पहला डॉट है सर्कल के स्क्वेयर, ठीक है, फर्स्ट बच्चे भी ओपोजिशन है सर्कल पे, स्क्वेयर सैकेंड बच्चे भी है, ये सर्कल और स्क्वेयर अपन नजर आ रहा है, चौथे बच्चे सर्कल और स्क्वेयर नजर आ रहा है, सारे बच्चे है। हम आप देखते हैं ट्रैंगल ते सर्कल, ट्रैंगल और सर्कल फर्स्ट बच्चे नजर नहीं आ रहा, कॉमन प्लेस दोनों की नहीं है क्योंकि इतने स्क्वेयर भी आ गया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन खत्म हो गई, ट्रैंगल और सर्कल अपन इतने भी नोट नजर आ रहा है, सैकेंड ऑप्शन ठीक है, ट्रैंगल और सर्कल थर्ड ऑप्शन के बीच दोनों ही डिफरेंट है, दोनों ही अलग अलग है, कॉमन प्लेस नहीं है, थर्ड ऑप्शन भी खत्म हो गई। ट्रैंगल और सर्कल फोर्थ बच्चे देखो इतने कॉमन प्लेस दोनों का जोड़ा है वो नहीं है क्योंकि उत्थे स्क्वेयर भी आ गया, तो फोर्थ ऑप्शन भी अपने इतने खत्म हो गई, तो बचे अपने को सिर्फ सेकंड ऑप्शन, तो यह मतलब सेकंड ऑप्शन जोड़ा है अपना करैक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि सारे हम डोर सिचुएशन के क्वेश्चन समझ लग रहा है, तो सैकेंड लास्ट क्वेश्चन अज का जिद आप तीन पिक्चर तीन दिखती हुई हैं डायग्राम्स, एक सर्कल है, पहला डोट कितने नजर आ रहा है अपन सिर्फ सर्कल के नजर आ रहा है, ए वाला डोट कितने नजर आ रहा है अपन सर्कल प्लस स्क्वेयर के आ रहा है, ए वाला डोट कितने नजर आ रहा है ए सर्कल के भी है ट्रैंगल भी है और स्क्वेयर के विचकार भी है, तो ये रेशो बन गई एक दो तीन की, एक इस दो पिक्चर है इस तीन पिक्चर है। तो फटाफट देखो कुंदन ना ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, डार्क गेमिंग सेकंड ऑप्शन, राज अली सेकंड ऑप्शन, कनिष्ठा सेकंड ऑप्शन, नंदलाल फर्स्ट, कनिष्ठा फर्स्ट ऑप्शन, गुरप्रीत फर्स्ट ऑप्शन, जशन फर्स्ट ऑप्शन, रोशनी फर्स्ट ऑप्शन, आरती फर्स्ट, सिया फर्स्ट, रोशनी चांदनी फर्स्ट, गुरजंत सिंह, गुरप्रीत सिंह फर्स्ट ऑप्शन, गुरजंत थर्ड ऑप्शन, लखविंदर फर्स्ट ऑप्शन, ख्वाहिश फर्स्ट ऑप्शन। ओके फर्स्ट ऑप्शन आ रही है मोस्टली डार्क गेम, सेकंड ऑप्शन चलो चेक कर लेने हैं, तो सर्कल पहला कला कितने नजर आ रहा है अपन, फर्स्ट बच भी नजर आ रहा है, सेकंड भी नजर आ रहा है, थर्ड बच सर्कल अपन नजर नहीं आ रहा है, इकला फोर्थ बच भी नजर नहीं आ रहा, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन बचे हैं। इसी तरह हम सी एस ले लेते हैं, यानी सर्कल ते स्क्वेयर, सर्कल ते स्क्वेयर अपन फर्स्ट बच भी नजर आ रहा है, सर्कल ते स्क्वेयर अपन सेकंड ते बच नजर नहीं आ रहा, कॉमन प्लेस जड़ा सी उत्थे ट्रैंगल भी है, ठीक है, इहदा मतलब सेकंड ऑप्शन भी अपनी खत्म हो गई, तो थर्ड डॉट देखने की अपन लोड़ ही नहीं पई, तो सीधा ही पता लग गया कि फर्स्ट जड़ा है अपना करैक्ट आंसर है। तो यह है अज का लास्ट क्वेश्चन जिदे विच थ्री डोट्स अपन दिते गए है, ये मैं हम अपने दसना है भी केड़ा करैक्ट जवाब है तुहाडा। सीमा राणी फर्स्ट ऑप्शन, राज अली फर्स्ट ऑप्शन, कमलदीप कौर फर्स्ट ऑप्शन, जेडे बच्चे आज पहली बार चैनल पे आए हैं या देख रहे हैं वो चैनल नो जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो, और लाइक पिछले लाइक का बटन लिखा हुआ है लाइक पे जरूर क्लिक कर दिया करो सारे जने। जशन सेकंड थर्ड ऑप्शन, सिया फर्स्ट ऑप्शन, नंदलाल थर्ड ऑप्शन, गुरप्रीत कौर सेकंड ऑप्शन, ख्वाहिश फोर्थ ऑप्शन, नंदलाल थर्ड ऑप्शन, गुरजंत सिंह थर्ड ऑप्शन, प्रेम चंदनी मन्नत थर्ड ऑप्शन, आरती थर्ड ऑप्शन, दनयाल सिंह फोर्थ ऑप्शन। ओके तो फोर्थ ऑप्शन भी आ रहा है बहुत सारे बच्चों का जवाब, थर्ड भी आ रहा है सेकंड भी आ रहा है, तो यह मतलब इतने बच्चे कंफ्यूज है, कुछ बच्चे सेकंड सोच रहे हैं, कुछ थर्ड और कुछ फोर्थ, तो चेक कर लेने हैं। तो डॉट पोजीशन पहला चेक करो, सर्कल दे विच पोजीशन है, सिंगल सर्कल विच है, इसी तरह दूजे डॉट कितने है सर्कल प्लस ट्रायंगल, और ए वाला डॉट कितने है सर्कल प्लस स्क्वेयर। हुण तुसी इत्थे देखो फर्स्ट जिहड़ा फिगर है इच्च आपां नूं सर्कल कला नजर आ रहा है,
इच भी सर्कल कला नज़र आ रहा है, ये भी थर्ड च भी सर्कल नज़र आ रहा है, फोर्थ में सर्कल कला नज़र अपन नहीं आ रहा, कला डॉट सर्कल वाला नहीं लगेगा, फोर्थ ऑप्शन तो हाँ वैसे ही खत्म हो गई। तो जो बच्चे फोर्थ ऑप्शन कह रहे थे वो नहीं है, अच्छा ख्वाहिश कह रही है बाई मिसटेक, इट्स थर्ड ऑप्शन। ओके थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लें हूँ, सी प्लस एस यानी कि सर्कल तो स्क्र कितने कितने नज़र आ रहा, सर्कल तो स्क्र सर्कल तो स्क्र फर्स्ट में भी नज़र आ रहा है, सर्कल और स्क्र सैकेंड नज़र नहीं आ रहा, क्यों नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये जगह ट्रायंगल के विचकार भी आ गई, सैकेंड ऑप्शन भी खत्म हो गई। हुण आ गया सर्कल तो स्क्र अपन इतने नज़र आ रहा थर्ड ऑप्शन के भी, तो यह मतलब ये डॉट लग गया। हुण लास्ट डॉट जो है सी प्लस डी, ये दसेगा कि फस्ट ऑप्शन सही है ज थर्ड ऑप्शन सही है, यह है सर्कल तो ट्रायंगल, सर्कल और ट्रायंगल के विचकार डॉट अपन इतने नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन इतने सर्कल और ट्रायंगल के विचकार जी जगह है वो वाली जगह स्क्वायर विच कॉमन है यानी कि कॉमन प्लेस नहीं है, तो फस्ट ऑप्शन जी है वह भी रोंग हो गई, तो यदा मतलब थर्ड ऑप्शन जी है वो अपना करैक्ट जवाब है। तो मोस्टली बच्चों ने थर्ड ऑप्शन दिता है, तो वेरी गुड, उम्मीद है कि सारे अज डॉट सिचुएशन के क्वेश्चन जोड़े है वह समझ लग गए, डॉट सिचुएशन, ठीक है। तो जो भी डॉट सिचुएशन के क्वेश्चन तुम आएंगे पेपर के, तो हमेशा तुम बाकी फिगर जो है पहला असं की करना है, पहले जो डॉट्स दिते हुए हैं उन्होंने असं शॉर्ट फॉर्म च नेम लिखना है, ठीक है, जिदा मैं इतने लिखा हुआ है, फिर उस तो बाद कला कला डॉट चक के तुम सारा चीज लगाना है, तो जो लगाओगे तो अपने आप क्लीयर हो जाएगा भी ये डॉट इतने नहीं फिट हो रहा, तो वह ऑप्शन ताकि रोंग हो जाएगी, तो इस तरह असं जो एंड से बचेगा वह सा करैक्ट जवाब होएगा। तो ये बड़े ईजी क्वेश्चन से देखने औखे लगते हैं, लेकिन जो करो तो ईजी लगते हैं, तो इन्होंने नाल हूँ असं अज के अगले पार्ट वाल बढ़ते हैं, अज का 17 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, नैक्सट जोड़ा है टाइम है हम थोड़ा जहा स्टोरी टाइप एक स्पीच का है थोड़े लिए, एक जी नवी अज मैं लेके आया हाँ, हाँ जी बच्चे पूछ रहे हैं सर स्टोरी है, स्टोरी तो नहीं है लेकिन स्टोरी वर्गा ही एक मैसेज है थोड़े लिए। तो सब तो पहला स्टार्ट करते हैं, अज मैं तुम्हें दुनिया का सब तो पावरफुल चीज बारे दसांगा, और जेकर तुम इस समझ गए और इस हैंडल कितना करना है, जे ये गल पता लग गई तो यकीन मनो तुम वो सब कुछ कर सकते हो जिस चीज़ के तुम सुपने अच देखते हो। मैं जिस चीज़ की गल कर रहा जिस पावरफुल चीज़ की गल कर रहा कि है वह टाइम है वक्त है, जे अज तो बाद तुसी इस क्लास तो बाद तुसी पैसे तो ज़्यादा टाइम की कदर करना सीख जाओगे, ठीक है, कि तुहानू पता है कि कामयाब ते नाकामयाब इंसान में की फर्क हुंदा है, कामयाब बंदा वह हुंदा है कि उसनू पैसा ते टाइम कित्थे इनवैसट करना है ये उन्हें समझ हुंदी है इसलिए वह कामयाब है, तो दूसरा बंदा ये नहीं जानता कि उसने इसलिए उसने गलत जगह पर पैसा और गलत चीज़ में टाइम इनवैसट कर दिता है इसलिए वह नाकामयाब हुंदा है। हुण पैसे का इनवैसटमेंट तो सानू पता है भी पैसा इनवैसट करना है, लेकिन टाइम का इनवैसटमेंट की चीज़ है, तो मैं तुहानू एक एग्जाम्पल के नाल समझाऊंगा, यूसेन बोल्ट तुसी सुनिया होगा नाम, एक 100 मीटर स्प्रिंट चैंपियन है, ठीक है, इसने पिछले 3 ओलंपिक खेडों में पार्टिसिपेट किया है और पिछले 3 ओलंपिक में सिर्फ 115 सैकेंड दौड़िया है और इस 115 सैकेंड की दौड़ के लिए इनू $119 मिलियन मिले। हुण तुसी सोच के देखो यानी कि लगभग 1 सैकेंड के लिए $1 मिलियन, और तुहानू पता ना $1 मिलियन किन्ने डॉलर होंगे, $1 मिलियन मतलब $10 लाख, 1 सैकेंड के लिए उसनू $10 लाख मिले है, वो 115 सैकेंड दौड़िया है 3 ओलंपिक नू मिला के, क्या बात है। हुण देखो 115 सैकेंड लिए उसने अपने आप को 20 साल तक पहला उन्हें ट्रेन किया, ये नहीं उस सीधा आके दौड़न लग पाया, 20 साल तक उसने अपने आप को ट्रेन किया, सख्त मेहनत की, इस 20 साल का जो समा सी ना ये उसकी इनवैसटमेंट सी, इसनों कहते हैं टाइम की इनवैसटमेंट। अजी एक स्टोरी है पिकासो की, पिकासो एक वर्ल्ड फेमस स्पैनिश पेंटर थी, बहुत मशहूर पेंटर है, तुम इंटरनेट पर इसको देख सकते हो, तो बहुत मशहूर पेंटर है। एक दिन वो एक होटल में बैठा सी, एक लेडी वो आई
ਉਹ ਪਿਕਾਸੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਏ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਪਿਕਾਸੋ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਿਆ ਸੀ ਪੇਪਰ ਚੱਕਿਆ ਔਰ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ $1 million ਸਕੈਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ $1 million ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਲੇਡੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ $1 million ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਪਿਕਾਸੋ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ $1 million ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਈ ਤੋ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਕਾਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸਿਆ ਸਮਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਿਕਾਸੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆਈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰੋਗੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੋ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਾ ਕ੍ਰਾਂਚ ਹੋਫਰ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਥ ਟੀਚਰ ਹੈ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ 2021 ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਵੁਮੈਨ ਰੋਡ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਫੋਕਸ ਮਾਈਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕਮਾ ਨੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸੋਵੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੋ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੁਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
25 साल की उम्र में ही बिलेनियर बन जाता है, 50 साल की उम्र में मर जाता है। तो कोई 50 साल की उम्र च बिलेनियर बनता है तो 90 साल तक जिंदा रहता है, कोई 55 साल च रिटायर हो जाता है, तो कोई 70 साल की उम्र में शुरुआत करता है अपने करियर की। तो इतों आप पता लगा कि अपना टाइम जोड़ा है असं दूजे के नाल कंपेयर नहीं करना, ठीक है। तो अपना टाइम हमेशा अपने आप कंपेयर करो, टाइम में वेस्ट नहीं करना। टाइम जोड़ा है वह सब तो इंपोर्टेंट चीज़ है, असं सब कुछ खरीद सकते हैं सिर्फ टाइम को नहीं खरीद सकते। तो अज तुहाडे को टाइम है, तुसीं 10वीं पढ़ रहे हो जां 8वीं पढ़ रहे हो, ठीक है, हुण तुहाडे को टाइम है। तुसीं अगर जिंदगी च बहुत कुछ बन सकते हो, तुसीं फोकस रखो। लास्ट क्लास में तुहानूं मैं दस्सिया सी फोकस ते हार्डवर्क, ठीक है। अज अपनी डिक्शनरी में एक नवां वर्ड जोड़ लो, ऐड कर लो, जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। तो वर्ड अपनी हार्डवर्क भी तुसीं तां ही वधिया तरीके नाल कर पाओगे अगर तुसीं टाइम मैनेजमेंट भी सिख्या होया है। और टाइम मैनेजमेंट दे लई की करना है, लिखण दी आदत पाओ, अपनी डायरी विच रोज लिखो कि मैं की करना है की नहीं करना है, ठीक है, कि मेरे प्रायोरिटी वाले काम है, कि मेरे प्रायोरिटीज वाले काम नहीं है। तो इन्हां शब्दों नाल दे नाल अज की क्लास असी खत्म करते हैं। उम्मीद है कि अज की टाइम मैनेजमेंट की जी ये गलबात सी आप की सारे पसंद लगी होएगी। तो थैंक यू वेरी मच। तो अज 10वीं क्लास का टैसट चल रहा है, 8वीं क्लास का टैसट नहीं है, सिर्फ 10वीं क्लास का है। तुम अपना अपना टैसट चंकी तरह दो, ठीक है। तो जिन्ना आता है उसको प्रोपर तरीके से दो, क्योंकि ये बेसलाइन टैसट है, इसलिए घबराने की लड़ नहीं है, ठीक है। बेसलाइन का मतलब है जो टॉपिक हम अभी पढ़ अगले महीने पढ़ने हैं, ये टैसट एडवांस टैसट लिया गया है, देख ये चैक करने लिए कि बच्चे किन्ना आता है। फिर एक महीने बाद तैयारी तो बाद फिर टैसट लिया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि बच्चे ने किन्नी तैयारी की है। तो थैंक यू वेरी मच अज की क्लास के लिए। हैव ए नाइस डे।